ओम सुजातो चोदिखा साशम पर्वतमासा स्वाहा पासो अग्ने विश्वरो भगवं समदेशो दुरावसो रक्तसूत्रम समर्पयामि भूर्वसो सर्वित्रि नारायणेभ्यो नमः। ओम इदं सपुष्पं समर्पयामि पितृभ्यो नारायणेभ्यो नमः। इदं चंदनं चर्चयामि ओम भूर्भुवस्व सर्वेभ्यो पितृ नारायणेभ्यो नमः। इदं मुक्षुक्षार्थे सफलताम्बूलं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्व सर्वेभ्यो पितृ नारायणेभ्यो नमः। इस दुनिया में अगर कोई चला जाता है तो उसके परिजन पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता यह है कि अगर मरने वाले का अंतिम संस्कार ना हो तो उसे मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो इतने समर्थ नहीं हैं कि किसी अपने के चले जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर पाएं, उनका पिंडदान कर पाएं। लेकिन इस समाज में चंडीगढ़ के रिटायर्ड इंस्पेक्टर जैसे लोग भी हैं जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके लोगों को मोक्ष दिलवाने के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य 25 साल दे चुके हैं और ये काम अभी भी जारी है। अप्रैल 95 में मेरा बेटा हुआ था, उसके दौरान ही मेरी डिलीवरी के टाइम मेरी वाइफ की डेथ हो गई। तो उसके बाद दिल उलझन में रहना शुरू हो गया, तो अक्सर मैं शमशान घाट वगैरह में जाके बैठ जाता था, कभी कहीं कभी कहीं। अब उन्होंने देखा कि शमशान घाट में बहुत सी अस्थियां लावारिस पड़ी हैं, जिन्हें गंगा में प्रवाहित करने के लिए कोई नहीं है। फिर मैंने सोचा दुनिया में आया कोई ना कोई काम ऐसा कर देना चाहिए जिससे हमें तो है, औरों को भी, और लोगों को भी इसकी प्रेरणा मिले। जो वहां के इंचार्ज थे पंडित जी, बहुत आचार्य पंडित जी श्री श्यामलाल जी थे, उन्हें मैंने रिक्वेस्ट करी भाई मैं ये, वो बोले ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये आप कहते रहे हो ये नहीं हो पाएगा। फिर रिक्वेस्ट करी तो फिर उन्होंने मेरे से बोले भाई चलो आप शुरू करो, उनके आशीर्वाद से मैंने ये काम शुरू कर दिया। तभी से ये काम शुरू हो गया जो अभी तक जारी है। पिछले 25 सालों में वो करीब 30,000 लोगों की अस्थियों को हरिद्वार जाकर प्रवाहित कर चुके हैं। में कई कई गरीब लोग हैं, कई लवारसों की अस्थियां हैं, और कई अमीर हैं जिनके पास समय नहीं, वहीं छोड़ जाते हैं। पर पता नहीं परमात्मा ने ये मेरे पे कृपा करी है कि ये सेवा मेरे को दी है, उनके साथ हमारा यहाँ कोई रिश्ता है, ये जुड़ा तो उसने है। मैं तो यही कहता हूँ ईश्वर से तेरी कृपा से हम सजे हैं, नहीं तो मोसो गरीब करोड़ पड़े हैं। श्यामलाल चंडीगढ़ पुलिस से बतौर इंस्पेक्टर पिछले साल ही रिटायर हुए हैं। पुलिस की नौकरी के दौरान उन्होंने अस्थियों को प्रवाहित करने का काम जारी रखा। वो महीने में एक बार हरिद्वार जरूर जाते थे, कभी कभी महीने में दो बार भी हरिद्वार जाते थे। शुरुआत में वो चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के शमशान घाट से अस्थियां इकट्ठा करते थे, लेकिन अब वो चंडीगढ़ के अलावा मणिमाजरा, पंचकुला, पानीपत, पटियाला, मोहाली, जीरकपुर, शिमला या किसी भी शहर में जाते हैं तो वो शमशान घाट में पड़ी लावारिस अस्थियों को ले आते हैं और उन्हें गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। कुछ समय बाद बेटे की देखभाल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तब तक उनके परिवार में किसी को भी नहीं पता था कि वे लोगों की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार जाते हैं। हाँ, वो शुरू में तो मैंने बताया ही नहीं, पहले यही कहता था डाक ड्यूटी है, मैंने जाना है, कोई ऐसी ड्यूटी के लिए जाना है, ऐसे कहता रहता था। पर उसके बाद मैंने घर वालों को क्लियर कर दिया भाई मैं तो ये सेवा करता हूँ। अब वो घर वाले इस सेवा में मेरे साथ हैं, उनका बहुत योगदान है, और अब उनकी पत्नी और बेटा भी उनके साथ अस्थियां प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार जाते हैं। वो सभी का जाके वहां हरिद्वार प्रॉपर पंडित वगैरह को उठा के उनका पिंडदान कराना शुरू कर दिया। जब उसकी उनकी अस्थियां हम छोड़ते हैं, आपको मैं कैसे बताऊं, रूहें जाती नजर आती हैं, कोई सिर पे कोई पीठ पे आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने मेरे पर बहुत कृपा करी, तो पहले वाइफ की डेथ हुई थी, उसके बच्चे छोटे थे, तो मेरी जो अब सेकंड वाइफ है नीलम, उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे साथ। मेरा बेटा है अभिनव, अब हम तीनों ही जाते हैं। श्यामलाल जो आज मानवता का काम कर रहे हैं, वो आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में आसान नहीं है। श्यामलाल उन पुण्य आत्माओं को मोक्ष दिला चुके हैं जिनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं था। ऐसे इंसान को अगर हम कलयुग का मोक्ष दाता कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
24 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।